हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर तीखा हमला किया है। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह सहित कांग्रेस के कई नेता उपस्थित थे। बैठक में एकमत से स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर से इस्तीफे की मांग उठाई गयी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और जिसमें कि हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी सहित सभी 21 विधायक कांग्रेस के मौजूद थे। फुल कॉरम था, पूरा हाउस जो था हमारे विधायकों का मौजूद था और इसमें एक वॉइस में फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है, पूरी तरह असफल हो गई है और घोटाले जो है लगातार जो है सारे सरकार में हर स्तर पे हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के चलते पार्टी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल एक मत से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस्तीफे की मांग करती है। टोटलिटी में सब लोग कि अगर कोई घोटाला हुआ है जिसके लिए संगठन ने अपनी जिम्मेवारी ली है और संगठन ने कहा है कि घोटाले के चलते या भ्रष्टाचार के चलते अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, तो सरकार उससे कैसे मुक्त हो सकती है? सरकार, क्योंकि घोटाला स्वास्थ्य विभाग में हुआ है और स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री जी के अधीन है और लगातार पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस सरकार में स्वास्थ्य विभाग जो है घोटाला विभाग बन गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह जो है, इसलिए मुख्यमंत्री जो कारनामे 2.5 साल के दौरान हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और इस सरकार के कार्यकाल में हेल्थ में हुए हैं, उसके चलते मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। और हमने ये कहा है कि अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेके जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा, पूरे हिमाचल प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा, क्योंकि ये जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी चल रही है। इस मामले पर उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच व कोविड फंड पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी उठाई गई है। कांग्रेस जमीनी स्तर पर इसको लेकर आंदोलन खड़ा करेगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी स्वास्थ्य विभाग को घोटाला विभाग करार दिया है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सैनिटाइजर घोटाला, पीपीई किट घोटाला और अब वेंटिलेटर खरीद घोटाला होने का सीधा जिम्मेदार सीएम जयराम ठाकुर को बताया। इसी के आधार पर उनसे इस्तीफे की मांग की गई है। उस संकट के दौर में जिस ढंग से पीपीई किट्स की खरीद में घोटाला हुआ, जिस ढंग से सैनिटाइजर खरीद में घोटाला हुआ, जिस ढंग से वेंटिलेटर खरीद में घोटाला हुआ, ये लोगों ने इवन बच्चों ने अपनी गोलकें तक तोड़ के पैसे दिए हैं इस सरकार को, लोगों ने जो है अपनी तनख्वाहें दिए हैं और ऐसे में जिस तरीके से जो है इसमें जो है खुली लूट हुई है और उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है और सरकार को कांग्रेस पार्टी मानती है कि अगर किसी का इस्तीफा होना है तो वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना है और ये सरकार जो है इसका प्रबंधन पूरी तरह नाकाम हुआ है इस दौर में। और हमने दूसरी बात यह है कि हमने कहा है कि 2.5 साल के दौरान जो भी खरीद हुई है स्वास्थ्य विभाग में, उसका जो है वाइट पेपर जो है यहाँ पे आना चाहिए कि कब कब क्या क्या खरीद स्वास्थ्य विभाग में हुई है। और थर्डली हमने ये कहा है कि हाई लेवल प्रॉब होना चाहिए जो खरीद हुई है स्वास्थ्य विभाग में, और निष्पक्ष जांच जो है इसकी होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो सेशन बुलाने की मांग है,
हम चाहते हैं तत्काल जो है सेशन बुलाया जाए, ताकि उसमें जो है हमने सेशन बुलाने की मांग की थी। उस सेशन बुलाने की मांग में भाजपा के 8 विधायक भी शामिल थे, जिसमें श्री रमेश ध्वाला और पठानिया जी जो है राकेश पठानिया, ये लोग भी सहित जो है 8 MLA भी सेशन बुलाने की मांग में शामिल थे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सेशन तत्काल बुलाया जाए, ताकि वहां पे जो है सारी बात हम रख सकें, सारे सारे लोग रख सकें, और देशद्रोह की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएं जिन्होंने कोविड कांड में जो है बेईमानियां की हैं, जिन्होंने पीपी किट्स खरीद में घोटाला किया है, जिन्होंने सैनिटाइजर खरीद में और मास्क खरीद में और वेंटिलेटर खरीद में, और जनता को ये बताया जाए कि इस खरीद करने वाली कमेटी कौन सी थी, क्यों, कितने टेंडर किए गए, कितने टेंडर रद्द किए गए और कितनी डायरेक्ट परचेज की गई। मुख्यमंत्री जी ने पिछले 70 दिन में राष्ट्र के नाम संदेश देने की बजाय कोई काम नहीं किया है, रोज शाम को जो है सिर्फ भाषणबाजी के सिवाय जो है, और आपने 2000 के आसपास नोटिफिकेशनें जारी की, और आपने जो है वो नोटिफिकेशनें यू टर्न की सरकार थी, दूसरे दिन आपने सारे वो फैसले जो है वापस ले लेते थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया, जनता को आपने इतना परेशान किया कि 2000 FIR आपने दर्ज की, उसके बाद आपने 2000 लोग हिरासत में लिए, आपने उनकी 1500-1800 गाड़ियां जब्त की, 60 लाख रुपया आपने जो है जुर्माना करके इकट्ठा किया, तो ये टोटलिटी में जो, और पत्रकारों तक को उत्पीड़ित किया गया, और आपने कोशिश की कि कोविड काल में जो कुप्रबंधन हुआ है, जो अनियमितताएं हुई हैं, जो पूरी तरह सरकार नाकाम हुई है, कि इसकी खबरें या इसको मीडिया के माध्यम से भी दिखाया ना जा सके, आपका ये जो प्रयास था बड़े लेवल पे हुआ है। तो सरकार जिस ढंग से कोविड को डील करने में नाकाम हुई है, और जिस ढंग से 2.5 साल में स्वास्थ्य विभाग में घोटाले हुए हैं या दूसरे विभागों में घोटाले हुए हैं, ये सरकार नैतिक अधिकार खो चुकी है सत्ता में बने रहने के लिए। इसलिए CLP यूनैनिमस व्यू से जो है CLP ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी को नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करके कि उनकी सरकार फेल हो गई है, नाकाम हो गई है, जनता को डिलीवर नहीं कर सकती, इसलिए जो है वो तत्काल इस्तीफा दें। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।